Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Eves Chauraha sthit Prakhar Ultrasound Center par chhapa maarkar bhrun link parikshan karte range haath Dr. Manisha Rastogi ko giraftar kar liya gaya. पीसी और पीएनडीटी की टीम ने छापेमारी की है। कार्रवाई पूर्व नियोजित तरीके से नकली ग्राहक भेजकर की। आरोप है कि डॉक्टर मनीषा ने लिंग परीक्षण कर बताया कि गर्भवती महिला को लड़का है और इस एवज में 12,000 रुपए भी वसूल लिए। तभी पीसी पीएनडीटी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उधर मनीषा रस्तोगी के पति डॉक्टर सर्वेश रस्तोगी ने दावा किया है कि उनकी पत्नी को फंसाया गया है। पीएनडीटी टीम ने मीडिया को यह जानकारी दी। पीएनडीटी सोनीपत हूँ और मेरे साथ नोडल ऑफिसर पीएनडीटी रोहतक। हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एक दलाल के माध्यम से इस क्लिनिक पे भ्रूण लिंग जांच का खेल चल रहा है। तो हमने एक इन्फॉर्मर के थ्रू इनसे संपर्क किया और इन्होंने 12,000 रुपये में सौदा किया। 12,000 रुपये दे के हमने एक नकली ग्राहक बना के उस दलाल के साथ यहाँ भेजा। तो यहाँ पर आज इस क्लिनिक पे आने के बाद उन्होंने अंदर जो मैडम हैं, मैडम ने उस ग्राहक का लिंग जांच किया और लिंग जांच करके उसमें उनको लड़का होना बताया। ये पीएनडीटी एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म में ये लोग भागीदार हैं और इनको पकड़ने में हमें बहुत सहयोग मिला है मेरठ जिला प्रशासन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DM मेरठ, सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ और नोडल ऑफिसर पीएनडीटी मेरठ। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इस काम के लिए और इनके सहयोग के कारण ही हम लोग आज इस कार्रवाई को अंजाम दे पाए हैं। खर अल्ट्रासाउंड सेंटर इस क्लिनिक का नाम है और इसमें हमें यहाँ एक डॉक्टर जो महिला डॉक्टर हैं वो उनको हमने पकड़ा है। उनके साथ में दो उनके बाहर रिसेप्शन पे जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको पकड़ा है और एक जो बीच में दलाल काम कर रहा था सुरेंद्र नाम का उसको हमने पकड़ा। ये काफ़ी टाइम से खेल चल रहा है। हमें पहले भी सूचना मिली थी, एक बार हम पहले भी आए थे लेकिन उस दिन किसी दलाल को कुछ शक होने की वजह से उसने मना कर दिया था, हम वापस गए थे। काफ़ी टाइम से ये खेल चल रहा है यहाँ पर। सामाजिक रूप से हम सब ये जानते हैं कि यदि समाज में लड़का और लड़की का संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो बाकी सारे के सारे जुर्म जो है वहीं से शुरू होते हैं। तो ये इसकी जड़ है और समाज में इस बैलेंस को बनाए रखना ही पीएनडीटी के तहत ये एक एक्ट बनी इस संतुलन को बनाने के लिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कार्रवाई हुई है और हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा होगा काम, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत बाकियों के नहीं मिलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा देखिए कि इससे पहले भी लगभग हमने यहाँ 15-16 डिकॉय किए हुए हैं और उसमें हरियाणा के साथ भी किए हैं, कुछ हमने अलग भी किए हैं। तो कुछ समय से जो था हमें ये लग रहा था, जहां हमारे मुखबिर जो काम कर रहे थे तो हमें कई बार मुखबिरों से कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो हमें ये लग रहा था कि जब हमने पता किया कि मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा लेकिन आसपास कहीं हो रहा है, तो हमें ये थोड़ा चैन था कि मेरठ के अंदर ये काम को हमने रोक दिया है, क्योंकि हमने 37 लोगों को पहले भी जेल में डाला और हरियाणा की टीम के साथ और अपने आप भी हमने जितने डिकोई किए हैं 15 से 16 डिकोई किए। तो हमें ये थोड़ा ये या तो कहते विश्वास था या अतिविश्वास था कि अब मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा है, लोग अब डरे हुए हैं। लेकिन जैसे आज की घटना हुई है तो इससे हम और आगे बढ़ाएंगे, जो अपने मुखबिरों को और एक्टिवेट करेंगे और निश्चित रूप से जो भी ऐसे लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। इसी PNDT एक्ट के अंदर ये नियम बनाया गया है कि जो भी लिखित में सूचना मेरे कार्यालय को मिलेगी मुझे उस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे उसकी जांच करनी पड़ेगी सिटी मजिस्ट्रेट का साफ लेकर या उसको एरिया के जो भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, 24 घंटे के अंदर मुझे उस PCPNDT की शिकायत के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। उधर इस बारे में मनीषा रस्तोगी के पति डॉक्टर सर्वेश रस्तोगी ने यह कहा। अधिकारियों ने आपकी वाइफ को गिरफ्तार किया है फिलहाल, क्या मामला है? पहले एक ये डमी पेशेंट को लेकर आते हैं, वो लेडीज अंदर जाती है, डॉक्टर मनीषा ने उसे बाहर भगा दिया कि हमारा ये काम नहीं होता। अच्छा। उसके बाद उनका हस्बैंड अंदर चैम्बर में एंट्री करता है और उन्हें मेज पर 5,000 रुपये फेंक दिए। अच्छा। जो इनके पास आपके यहाँ पर CCTV लगे हुए हैं, क्या CCTV में फेंकता हुआ शायद मैं देख के बताऊँगा, इस बात का मुझे पता नहीं। मुझे अंदर जाने अधिकारियों ने भी कुछ पैसे मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, मुझे भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने कुछ पैसे की डिमांड किया? अभी मेरी कोई बात नहीं है। कभी पहले की हो? नहीं, बात नहीं देने पर कार्रवाई की जा रही है।
मैं ऐसा नहीं, मेरी बात ही नहीं, मैं अंदर ही नहीं गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।